उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक मासूम आठवीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की के साथ दरिंदगी के लिए दुष्कर्म किया गया। जब वो रात को शौचालय के लिए बाहर निकली अपने घर से तो उस दरिंदे ने उसे पकड़ा, घसीटा, मारा, पीटा, उसे बदहवास कर दिया, बेहोश कर दिया, फिर उसके साथ रेप किया। अब ये सबसे पहले मामला क्या है आप वो समझ लीजिए, फिर इस मामले पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो जिसने ये दरिंदगी की उसका नाम अभिषेक है। बताया जाता है कि अभिषेक गोसाईगंज के रसूलपुर का रहने वाला है। गोसाईगंज लखनऊ जिले के अंतर्गत ही आता है। बताया जाता है कि अभिषेक समारोह में डीजे बजाने का काम करता है। ग्रामीणों के मुताबिक गुरुवार को गांव में एक शादी समारोह थी, वह अभिषेक डीजे बजा रहा था। देर रात अभिषेक गांव के बाहर टहलने निकला, किशोरी शौच के लिए बाहर निकली थी। इसी बीच अभिषेक ने किशोरी को पीछे से पकड़ लिया, धमकाते हुए उसे शौचालय की तरफ खींच ले गया। किशोरी के विरोध पर उसे जमकर पीटा, किशोरी बदहवास हो गई, जिसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया। घटना के दौरान कुछ ग्रामीण शौचालय के पास से निकल रहे थे, आहट सुनकर किशोरी ने शोर मचा दिया, मदद की गुहार लगाई। शोर सुनकर ग्रामीण पहुंचे तो आरोपी अभिषेक भागने की कोशिश करने लगा। यह देखते हुए ग्रामीणों ने उसे दबोच लिया। शोर सुनकर किशोरी के घर वाले भी आ गए, लोगों ने अभिषेक को जमकर पीटा और ग्राम प्रधान ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पॉस्को के समेत मारपीट और रेप समेत कई मामले उसके ऊपर दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश का मामला है और ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अभी मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूँ उत्तर प्रदेश का ही, जो उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को लेकर सारी की सारी पोल खोल देता है। बताया जाता है कि 2018 में सबसे अधिक 394 बलात्कार, सामूहिक बलात्कार के साथ हत्या के मामले दर्ज किए गए थे। ये महिलाओं के साथ अपराध की बात कर रहा हूं मैं। साल 2020 में सबसे कम 219 मामले दर्ज किए गए थे। यह संख्या 2017 में 223 थी। साल 2019 में 283 रेप गैंगरेप के बाद हत्या के मामले दर्ज किए गए। साल 2021 में ऐसे मामलों की संख्या 284 हो गई। वहीं साल 2022 में 248 ऐसे केस दर्ज किए गए। 6 वर्षों के राज्यवार आंकड़ों से पता चलता है कि यूपी सबसे अधिक मामलों के साथ 280 पे सबसे आगे है। उसके बाद से मध्य प्रदेश आता है, असम आता है, महाराष्ट्र और कर्नाटक आते हैं। यानी उत्तर प्रदेश में महिलाएं सेफ नहीं है, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है। आप जाइए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अगर आप ट्विटर पे जाते हैं, आप हिंदी में सिर्फ रेप लिख के सर्च कर दीजिए, आपको पुलिस व्यवस्था की, आपको राज्य सरकारों की दलीलों की, उनके वादों की पोल खुलती हुई साफ नजर आएगी। आप आसानी के साथ बता सकते हैं कि हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, उनके साथ अभी भी रेप हो रहा है। और ये बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमारा समाज सुधर भी रहा है कि नहीं सुधर रहा है। लेकिन ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, जितना ज़्यादा आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं उतना ज़्यादा एजुकेट कीजिए। नेता राजनीति करेंगे, वो रेप हो, मर्डर हो या बच्चों का जल जाना हो, वो राजनीति करते रहेंगे, चाहे कोई भी नेता हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। लेकिन आपको खुद का ख्याल रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करना है, सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाना है, लड़कियों को डिफेंस सिखाना है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि औरों तक ये खबर पहुँचे और वो भी सतर्क रहें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।